हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज मानवेंद्र जीवन एंड दिस वीडियो इज फॉर क्लास थर्ड सेकंड चैप्टर। और इस वीडियो में मैं सेकंड चैप्टर कंप्लीट भी कर दूंगा, ओके। इसलिए ध्यान से इस बात को देखिए। आज इस आपके चैप्टर का नाम है नोइंग द कंप्यूटर सिस्टम सेकंड चैप्टर। इसमें सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं? तो मेन कंप्यूटर चार तरह के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर, फोर्थ सुपर कंप्यूटर। जो कंप्यूटर जिस कंप्यूटर में या लैपटॉप में आप लोग जो देखते हैं, घरों में है, दुकानों में है, मॉल्स में है, स्कूल कॉलेजेस में है, ये है माइक्रो कंप्यूटर, जो नॉर्मल काम करता है, बुक्स प्रिंट करना, ईमेल लेना, ईमेल सेंड करना, ऑफिसेस के वर्क्स करना, एक्सेल पर काम करना, प्रेजेंटेशन बनाना, प्रोग्रामिंग करना, ये सब काम हम लोग माइक्रो कंप्यूटर पर करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली 80% लोग माइक्रो कंप्यूटर ही यूज करते हैं, जो घरों में होते हैं, ऑफिसेज में होते हैं। इसके बाद है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर नाम से मिनी है, मतलब छोटा, लेकिन यह माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है। इस तरह के कंप्यूटर हमको बैंक्स में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बैंक में अकाउंट लोड ज़्यादा होता है, कैलकुलेशंस ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर काम आएगा मिनी कंप्यूटर, ओके। नाउ थर्ड वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज में भी बड़ा होता है और बहुत बड़ा होता है, और इसका पावर भी ज़्यादा होता है। मतलब पावर का मतलब बिजली का पावर नहीं, सीपीयू, उसका प्रोसेसिंग, उसकी मेमोरीज माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा होती है। इनका मेन काम साइंटिफिक रीजन में, साइंटिफिक क्षेत्र में किया जाता है। जैसे आज का आप लोग जानते हैं, कोरोना की वजह से हम लोग लॉकडाउन है, तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या उसका वैक्सीन या उसकी मेडिसिन बनाने के लिए जो साइंटिफिक लोग या बड़े बड़े डॉक्टर लोग जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर होता है, और इसके बड़े बड़े लैब्स होते हैं, तो वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर काम किया जाता है, ओके। फोर जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, सुपर कंप्यूटर हम लोग नॉर्मली नहीं शायद देख पाएंगे, या गवर्नमेंट के अंदर में होता है, किसी आदमी के बस का नहीं है कि या एक पर्सनल आदमी सुपर कंप्यूटर को खरीद ले या उसको ऑपरेट कर सके, उसके बस का है ही नहीं और उसका उसके लायक का काम भी नहीं। ये करोड़ों करोड़ों करोड़ कैलकुलेशन सेकंड के हजारवें से हजारवें हिस्से में कर सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। इंडिया के पास भी अपना कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम परम 10,000, परम युवा, ये दो नेम है जो परम है, जो सुपर कंप्यूटर्स है। इनका मेन काम है सैटेलाइट को लॉन्च करना, उसको हैंडल करना। सैटेलाइट मतलब जैसे हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून है ना, उसी तरीके से जैसे टीवी, टीवी से हम लोग पूरे देश में हम लोग को अलग अलग लोग सैटेलाइट यूज सैटेलाइट से ही टीवी का पूरा ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है। तो ये सब दूसरा बड़ी बड़ी मिसाइल्स जैसे आपने सुना होगा अर्जुन, अग्नि, त्रिशूल, ये सब मिसाइल्स को भी कंट्रोल यही सुपर कंप्यूटर ही करते हैं। सुपर कंप्यूटर से ही आप लोगों को ये पता चलता है कि आज बारिश ज़्यादा होने वाली है, कम होने वाली है, किस जगह फसल अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, ये सुपर कंप्यूटर से ही हमें बताते हैं, ठीक है। तो मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। चार टाइप के कंप्यूटर हुए, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। माइक्रो जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मिनी बैंक्स वगैरह में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, मेन फ्रेम विज्ञान के क्षेत्र में, साइंटिफिक रीजन के जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग यूज करते हैं, और सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े मिसाइल्स, सैटेलाइट, वेदर फॉरकास्ट, ये सब करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ओके। नाउ सेकंड टॉपिक इज कंप्यूटर्स इन अदर मशीन। बहुत सारी मशीन्स हमारे ज़िंदगी में और भी हैं जिसमें कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। सबसे पहला जिस मोबाइल या जिस स्मार्टफोन में आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी कंप्यूटर का ही टेक्नोलॉजी यूज करता है। सेकंड, आप लोग आजकल जो टीवी यूज करते हैं, जिसमें कि पेन ड्राइव से कॉपी कर सकते हैं, पेन ड्राइव में डेटा सेव कर सकते हैं, टीवी पर एंड्रॉयड ऐप सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं, मतलब गूगल ऐप, गूगल ऑडियो वीडियो, व्हाट्सएप, ये सब अपने टेलीविज़न पर आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो टेलीविजन्स हैं, इसमें भी कंप्यूटर सिस्टम के ही टेक्निक्स यूज होते हैं। तीसरा, एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें से कि लोग बैंक से पैसा निकालते हैं,
कई बार आप अपने गार्जियन के साथ गए होंगे जहाँ से आपने एटीएम से पैसा निकाला होगा। इस एटीएम मशीन में भी कंप्यूटर के ही टेक्नोलॉजी यूज की गई है। दूसरा, कई स्कूल में आपने बच्चों को देखा होगा हैंड बैंड लगाते हैं जिसमें ब्लूटूथ व्हाट्सएप वगैरह सब होता है, घड़ी बड़ी चमकीली होती है। ऐसे स्कूल में परमिशन नहीं है, नहीं लाना चाहिए, फिर भी वो जो चीज़ है उसमें भी कंप्यूटर की ही टेक्नोलॉजी है। तीसरा, वीडियो गेम्स, कई बार आप लोगों मार्केट में या मॉल्स में या बड़े बड़े शहरों के गेम्स खेलने के लिए गए होंगे जिसमें आप लोग जॉयस्टिक से, गन से या कई बहुत सारी चीज़ों से आपने गेम खेला होगा, इसमें भी कंप्यूटर की ही टेक्नोलॉजी यूज होती है। यानी कि इसमें भी मेमोरी है, प्रोसेसर है, इनपुट है, आउटपुट है, ठीक है, दैट इज। तो ये हुआ कंप्यूटर मशीन्स हमारे लाइफ में। ना कंप्यूटर का जो बेस है वह तीन चीज़ पर डिपेंड करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इसीलिए इसको आईपीओ बोलते हैं, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, ओ फॉर आउटपुट। इनपुट यानी कि कोई डेटा, कोई भी रिकॉर्ड जब हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से लिख प्रेस करके डालेंगे तो वह क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर में जाएगा, वह क्वेश्चन मेमोरी में यानी कि प्रोसेसिंग में सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, उसका आंसर निकालेगा, और प्रोसेस करने के बाद वापस स्क्रीन पर जब उसका आउटपुट दिखाई पड़ेगा तो उसको बोलते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इसमें एक जो छोटी सी चीज़ आई, डेटा। डेटा का मतलब कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ या कमांड या इंस्ट्रक्शंस या ABCD या A to Z, 1 to 3, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-S, Ctrl-P, ये सब जो हम प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, वह हुआ इनपुट। प्रोसेस का मतलब कि दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग ये बात सोचे कि इसका कैलकुलेशन ऐड करके किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, ये सब प्रोसेसिंग होगा, राइट। और आउटपुट हुआ जो हमको रिजल्ट दिखाई देता है। जैसे सपोज कि आपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर खोला, उसमें 10 + 10 डाला, तो आंसर क्या आना चाहिए, 20। तो यह 20 जो हमको दिखाई पड़ेगा यह होगा उसका आउटपुट, ओके, तो दैट इज आईपीओ। अब थर्ड और लास्ट टॉपिक आपका आज है, थोड़ा सा हम लोग अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में समझेंगे हल्के में, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो शायद कंफ्यूज हो जाइएगा। सीपीयू, सीपीयू के तीन पार्ट्स माने जाते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पर कंप्यूटर के इसका ये ही कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है, जहाँ पर कंप्यूटर सोचता है, समझता है और उस चीज़ों पर ऑपरेट करता है। तो सीपीयू में पहला पार्ट हो गया सी, कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी डेटा जो हम कंप्यूटर में डालते हैं, चाहे जो भी इंस्ट्रक्शन या उसको ऑर्डर देते हैं, वह कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है। दूसरा ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मतलब कि वह सवाल अर्थमेटिक का है या लॉजिक का है। अब इस चीज़ को पहले समझिए, जैसे सिंपल जोड़ घटाओ गुना भाग कैलकुलेशन, ये हुआ अर्थमेटिक, मैंने 10 + 10, 20 × 2, 10 / 5, ये सब अर्थमेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन क्या होंगे, जैसे A > B, A = C = D, ए लॉजिकल क्वेश्चन। यहाँ कंप्यूटर को सोचना पड़ेगा कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, मतलब ए का अगर वैल्यू 20 है और बी का वैल्यू 40 है तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, नेचुरली बी बड़ा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन लॉजिक के क्वेश्चन होंगे। तो कंप्यूटर में जैसे ही आप कोई डाटा डालते हो तो कंप्यूटर का वो डाटा कंट्रोल यूनिट के पास पहले सीपीयू में जाता है, सीपीयू सारे डेटा को उठा कर सबको लेकर के कंट्रोल यूनिट के पास भेज देता है कि तुम अब समझो इस डाटा के साथ क्या करना है। वो अपना सारा बोझ जो है किसके ऊपर डाल देगा, कंट्रोल यूनिट पर डाल देगा। कंट्रोल यूनिट उसको समझेगा कि अब उसको क्या करना है। तो कंट्रोल यूनिट पहला सवाल किससे पूछेगा, ALU से, कि भाई ये बता मेरे को कि यह सवाल अर्थमेटिक का है या लॉजिक का है, वह तय करे। अगर अर्थमेटिक का है तो अर्थमेटिक वाले डिपार्टमेंट में चला जाएगा, और लॉजिक का है तो लॉजिक वाले डिपार्टमेंट में चला जाएगा। मान लो कि अर्थमेटिक का सवाल था आपने दिया था तो अर्थमेटिक जाकर सॉल्व कर देगा, अगर वो लॉजिक का सवाल है तो लॉजिक जाकर लॉजिक वाला उसको सॉल्व कर देगा। अब ये दोनों जब सॉल्व हो जाएगा तो ये आंसर वापस कंट्रोल यूनिट के पास आएगा कि भाई हमने आंसर निकाल दिया है। वह आंसर
सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू वापस मॉनिटर में जाकर उसका आपका आंसर आपको दिखा देगा। तो ये हुई कंप्यूटर के अंदर में छोटी सी हरकत जिसकी वजह से कंप्यूटर आपका काम कर पाता है। बात समझ में आ गई। इसी चीज़ को पेज नंबर 15 में थोड़ा सा एग्जांपल करके दिखाया गया है कि कीबोर्ड से 10+20 जो भी मैंने समझाया भी कि 10+20 हम इनपुट करते हैं वह कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। 10+20=30 होता है तो कंट्रोल यूनिट उसको ऑटोमेटिकली लॉजिकल यूनिट में सॉल्व करवाता है, फिर वापस उसको वो कंट्रोल यूनिट पर 30 आंसर आ जाता है और सीपीयू उसको आपके स्क्रीन पर शो कर देता है। दैट्स इट। तो ये 10-12 मिनट का वीडियो जो है आपका चैप्टर 2 कवर करता है। इसमें तीन ही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दूसरा डेटा क्या है और इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या है, और तीसरा टॉपिक है थोड़ी सी मेमोरी के बारे में जानकारी कि हमारे सवाल किस किस तरीके से कंप्यूटर में मूव करते हैं। राइट, सो स्टे होम स्टे हेल्दी। चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको वर्कशीट में PDF में भेज दिए हुए हैं, आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कीजिए। इस वीडियो के तुरंत 2-4 दिन के बाद मैं आपके चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आपको भेजूंगा। तो आप लोग चैप्टर 2 आपका इस यूनिट जो भी स्कूल खुलने के बाद यूनिट टेस्ट होगा उसमें यही दोनों चैप्टर होंगे, यानी कि अब क्लास 3 के लिए चैप्टर वाइज यानी कि सिलेबस का हिसाब से मेरा ये सिलेबस कंप्लीट होता है। ओके, जय हिंद, टेक केयर।